सो है गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पांच टिप्स देने वाला हूँ जो कि न्यू टिकटॉकर्स के लिए और 2020 में न्यू यूज़र्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो गाइस, अगर आप लोग टिकटॉक पे नए हो या फिर टिकटॉक पे नए नए वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर रहे हो या फिर पहले से आप लोग वीडियोस अपलोड करते हो लेकिन फिर भी आपके वीडियो पे ना ही तो व्यूज़ आते हैं ना ही तो लाइक्स आते हैं, लेकिन आप अच्छे से मेहनत भी करते हो उसके बाद भी आपका अकाउंट वायरल नहीं होता, आपका वीडियो वायरल नहीं होता। सो गाइस, आज का ये वीडियो आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक कंप्लीट देखते रहिए। आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताऊंगा 2020 में आप लोगों को क्या क्या करना चाहिए। इजी पांच टिप्स बताने वाला हूँ गाइस, जो कि आपका बहुत ही काम करेगा एंड आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी करेगा। सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद ज़रूर आएगा। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, कमेंट्स करके मुझे बताइएगा वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, हमारा जो नंबर वन टिप्स है वो है गाइस पॉपुलर क्रिएटर और फेमस। सो गाइस, अगर आप लोग टिकटॉक पे नए नए वीडियोस अपलोड करते हो या तो फिर अगर आप लोग पहले से टिकटॉक पे वीडियोस अपलोड करते हो, जो भी हो, अगर आप फेमस नहीं हो रहे हो या फिर आपके अकाउंट में पॉपुलर क्रिएटर का टैग नहीं मिल रहा है, आपके पास 500 के फैन यानी कि 5 लाख 10 लाख फैन से फिर भी आपके पास पॉपुलर क्रिएटर नहीं आया और आप अभी तक फेमस भी नहीं हुए हो या तो फिर आपके पास 2-3 हज़ार फैंस हैं, फैंस भी नहीं बढ़ रहे। सो गाइस, सबसे मेन टारगेट है आपका कि आपको कभी भी ये समझना नहीं चाहिए कि मैं सिर्फ टिकटॉक पे आया हूँ टिकटॉक पे फेमस होने के लिए और पॉपुलर क्रिएटर मिलने के लिए। अगर आप लोग ये सोचोगे कि मुझे तो सिर्फ टिकटॉक पर फेमस होना है चाहे मैं उसके लिए कुछ भी करूँ, ये बात आप ज़रूरी है सोचना, लेकिन गाइस उसको मेन मोटिवेट मत सोचिए। अगर आप लोग यही सोचोगे कि 10-12 वीडियोस डालने के बाद मैं फेमस हो जाऊंगा, सो गाइस जब भी आप लोग 100, 150, 200 वीडियोस बना लोगे, जब भी आप फेमस नहीं हो पाओगे, जब भी आपके वीडियोस पे व्यूज़ लाइक्स नहीं आएंगे, तो गाइस तभी आप टिकटॉक बनाना छोड़ दोगे या तो फिर आपको टिकटॉक से नफरत हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग ये सोचोगे कि मुझे तो पॉपुलर क्रिएटर मिल जाएगा, बहुत से लोगों को 4-5 हज़ार फॉलोअर्स में पॉपुलर क्रिएटर मिल रहा है, लेकिन आपके पास 1 मिलियन फैंस है तो आपको भी पॉपुलर क्रिएटर मिलना चाहिए, सीधी सी बात है। लेकिन गाइस अगर आपको पॉपुलर क्रिएटर नहीं मिलता है, सो गाइस क्या होता है, आपका दिल बैठ जाता है और आपको टिकटॉक के ऊपर एक नफरत पैदा हो जाता है। ठीक है, सो गाइस मेरा फर्स्ट टिप्स यही था कि आप लोग कभी भी ये मत सोचिए कि मुझे टिकटॉक की तरफ से पॉपुलर क्रिएटर मुझे मिलना चाहिए और मैं टिकटॉक पे बहुत जल्द फेमस हो जाऊंगा। हाँ, आप फेमस होंगे लेकिन वो आप छोड़ दीजिए टिकटॉक के ऊपर कि कब आप फेमस होंगे, वो यूज़र्स के ऊपर छोड़ दीजिए। आपको क्या करना है, कभी भी ये दिमाग में नहीं बिठा लेना है कि मुझे सिर्फ फेमस ही होना है। ठीक है, आपको ये सोचना है कि मुझे अपना टैलेंट दिखाना है, मुझे अपना हुनर दिखाना है लोगों को, ताकि मेरा काम लोगों को पसंद आए, लोग मुझे फॉलो करें, फिर यूज़र ही आपको खुद ही खुद फेमस कर देगा। सो गाइस ये था हमारा पहला टिप्स। सो गाइस हमारा जो दूसरा टिप्स है वो है गाइस स्टोरी एंड कॉमेडी। ये मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी कहा है और आज भी मैं आप लोगों को ये टिप्स बताने आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, फिर से मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करके बताता हूँ गाइस। गाइस पहले क्या होता था, जब टिकटॉक पे लो जब जब टिकटॉक नया नया आया था यानी कि जब म्यूज़िकली पहले पहले आया था, तब लोगों ने इसको सीरियसली नहीं लिया था। एंड गाइस जो हमारा जो रोहित कुमार है, ठीक है, वो गुटखा खाते हुए फेमस हो गए थे क्योंकि तभी टिकटॉक पे वीडियोस देखने के जो यूज़र्स होते हैं उनका ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, लेकिन वीडियो कंटेंट क्रिएटर का जो भीड़ था वो ज़्यादा नहीं था। ठीक है, बस कुछ ही लोग थे जो टिकटॉक पे वीडियोस अपलोड करते थे। ठीक है, सो गाइस इसीलिए उस टाइम पे जो भी टिकटॉक यूज़ करता था यानी कि म्यूज़िकली को यूज़ करता था एंड उसके ऊपर वीडियोज़ अपलोड करता था, कुछ भी वीडियो, तभी वीडियो वायरल हो जाता था। ठीक है, इसीलिए गाइस तभी लोग जो है क्या बोलते हैं उसको, लिपसिंग करते थे, डांस वगैरह करते थे, वो भी वायरल हो जाता था और आज वो लोग एक बड़े बड़े सेलिब्रिटी है यानी कि बड़े बड़े टिकटॉकर्स है। सो गाइस आज के ज़माने में गाइस टिकटॉक पे वीडियोस देखने के लिए जितना ट्रैफिक चाहता है उससे भी कई गुना ज़्यादा है क्रिएटर्स का भीड़। ठीक है, यानी कि अभी टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा क्रिएटर्स आ चुका है। सो गाइस आपको क्या करना है, आपको पहले के जैसा कुछ भी अनसन वीडियोज़ बना के अपलोड नहीं करना है, आपको एक अच्छी सी स्टोरी या फिर कॉमेडी वीडियोस, ठीक है, आप लोगों को शूट करना है एंड उसको पोस्ट करना है टिकटॉक पर, ताकि यूज़र्स का
जो इम्पैक्ट है, जो इम्प्रेशन है, वो आपके वीडियोस पे आए और आपका वीडियो वायरल हो जाए, ठीक है। सो गाइस, ये है सबसे मेन पॉइंट, आपको स्टोरी एंड कॉमेडी पे टिके रहना है, ठीक है। उसके बाद अगर आप फेमस हो जाते हो तभी जाके आप कुछ भी वीडियोस अपलोड कीजिए, तब आपका वीडियो चलना ही चलना है। लेकिन गाइस, लोगों के अंदर एक पहचान बनाना, अपने खुद के अकाउंट्स को, खुद के वीडियोस को वायरल करना बहुत ही ज़्यादा हार्ड है आज के टाइम पे। इसीलिए आपको स्टोरी एंड कॉमेडी टाइप कुछ वीडियोस करना चाहिए। अगर आप मेरी बात पे विश्वास नहीं रखते हो, सो गाइस, आप लोग 1, 2, 3, 4 वीडियो अच्छे से बना के देखिए, उसके बाद आपको रिजल्ट खुद ब खुद पता चल ही जाएगा। सो गाइस, आज का हमारा नंबर 3 टिप्स है गाइस, ग्रुप वीडियो मस्ट। सो गाइस, पहले कैसा होता था, ट्राइपॉड के साथ फ़ोन को सेट करो, उसके बाद लिपसिंग करो, डांस करो, कुछ भी करो, वीडियो वायरल हो जाता था। लेकिन गाइस, अभी जो है लोगों को ग्रुप वीडियो पसंद आता है। टीम 07 की अगर हम लोग बात करें, कहाँ से कहाँ तक वो लोग पहुँच गए हैं अभी, ठीक है। माना कि अभी उनके साथ कुछ बुरा समय चल रहा है, ठीक है, लेकिन गाइस वो लोग ग्रुप में वीडियोस बनाते थे, इसीलिए लोगों का इतना ज़्यादा उन लोगों को प्यार मिला, ठीक है। सो गाइस, अभी आप लोग अगर टिकटॉक पे देखोगे, सो गाइस बहुत से ऐसे टीम हैं जो कि ग्रुप में वीडियोस बना के ही वो लोग फेमस हो रहे हैं। अभी आप लोग मुझे 1 से 2, उससे ज़्यादा नहीं दिखा सकते कि कोई सिंगल लौंडा या फिर कोई सिंगल, क्या बोलते हो गाइस, कोई भी सिंगल आदमी अभी टिकटॉक पर फेमस नहीं हो पाता। अभी आपको ग्रुप वीडियो बनाना चाहिए। अगर आप लोग ग्रुप में वीडियोस को बनाएंगे, स्टोरी हो चाहे वो कॉमेडी हो, अगर आप लोग ग्रुप में वीडियो बना के अपलोड करोगे टिकटॉक पर, सो गाइस आपका वीडियो बहुत ही जल्द वायरल हो सकता है। सो गाइस, सिंगल वीडियोस मत बनाइए। जहाँ जहाँ पे लोग टिकटॉक बनाते हैं, उसी टिकटॉक जहाँ पे बनते हैं गाइस, बहुत से लोग एक अच्छा अच्छा प्लेस देख के वहीं पर टिकटॉक बनाने लग जाता है। सो गाइस, आप भी उधर पर चले जाइए, आप टिकटॉकर्स को बोलिए, ठीक है, कि मैं आपके साथ एक वीडियोस बनाना चाहता हूँ ग्रुप में, उसको भी बताइए। अगर वो आपके साथ राज़ी हो जाता है करने में, टिकटॉकर्स मतलब ये नहीं कि बड़े बड़े टिकटॉकर्स, ऐसे नहीं जी, जो लोग नए नए स्टार्ट कर रहे हैं, जिनके 2, 3, 4, 5 हज़ार फैन हैं, वो तो यूं ही राज़ी हो जाएगा आपके साथ वीडियोस बनाने में। उनके साथ ग्रुप में वीडियोस बना के फिर टिकटॉक पे अपलोड कीजिए, देखिए आपके वीडियोस पे बहुत ही अच्छा खासा लाइक्स एंड व्यूज़ आ जाएंगे। सो गाइस, ये थी हमारा 3रा पॉइंट। सो गाइस, आज का हमारा जो नंबर 4 टिप्स है गाइस, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो गाइस, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करता हूँ, अच्छा खासा मेहनत भी करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे वीडियोस पे ना ही तो व्यूज़ आते हैं, ना ही तो लाइक्स आते हैं। या तो फिर आप लोग ये भी सोचोगे कि गाइस, मेरे 1 मिलियन से ज़्यादा फ़ैन फॉलोअर हो चुके हैं, लेकिन अभी भी मैं मुझे टिकटॉक से पॉपुलर क्रिएटर का टैग नहीं मिला, सो कैसे मिल सकता है। सो मेरे भाई, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, टिकटॉक पे अगर आप लोग पॉपुलर क्रिएटर जल्द से जल्द पाना चाहते हो, यानी कि जल्द से जल्द अगर आपको टिकटॉक से पॉपुलर क्रिएटर चाहिए, सो आपको यूनिक कंटेंट अपलोड करना होगा, ठीक है। यूनिक कंटेंट का मतलब होता है गाइस, जो दूसरे कर रहे हैं आपको वो नहीं करना है, आपको उनसे कुछ हटके या फिर कुछ अलग करना होगा, तभी होता है वो यूनिक कंटेंट। जब भी आप लोग यूनिक कंटेंट अपलोड करते रहोगे लगातार, तभी आपको टिकटॉक की तरफ से, अगर आपके वीडियोस पे अच्छे खासे व्यूज़ आए, तो ही आप लोगों को टिकटॉक की तरफ से बहुत ही कम फैंस में भी टिकटॉक की तरफ से पॉपुलर क्रिएटर का टैग मिल जाएगा। सो गाइस, अगर आपका वीडियो वायरल नहीं हो रहा है, सो गाइस आपका वीडियोस के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। किसी किसी के वीडियोस में प्रॉब्लम होता है कि वो वीडियो गुड क्वालिटी नहीं होता, जो पीछे का जो बैकग्राउंड है वो अच्छा नहीं होता, इसीलिए उनका वीडियो वायरल नहीं होता है। और बहुत समय ऐसा भी होता है कि यूज़र्स लोग वही पुराना स्टोरी, वही पुराना कॉमेडी देख देख के पक चुका है, इसीलिए वो वीडियो वायरल नहीं होता। अगर आपको टिकटॉक पे वीडियोस वायरल करना है, तो आप लोगों को यूनिक कंटेंट भी अपलोड करना होगा। सो गाइस, अगर आपको विश्वास नहीं होता, सो आप लोग यूनिक कंटेंट बना के अपलोड करके देखिए, आपका वीडियो ज़रूर वायरल होगा और आपको खुद ब खुद विश्वास आ जाएगा। अगर आप लोगों को स्टोरी और कॉमेडी का स्क्रिप्ट अगर आप लोगों को चाहिए, सो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओ। मेरे पास ऐसे 3-4 ऐसे धांसू आइडिया है, जिसके ऊपर अगर आप लोग वीडियोस बनाओगे, सो आपका वीडियोस यूं वायरल हो जाएगा। सो गाइस, आज का हमारा जो नंबर 5 टिप्स है, वो सबको पता है और शायद पता ना भी हो, मैं फिर भी आप लोगों को बताता हूँ। रेगुलरली एटलीस्ट 1 वीडियो अपलोड। सो गाइस, रेगुलर एक ना एक वीडियो आप लोगों को अपलोड करना ही चाहिए। मान लीजिए कि अगर आप आज अगर आप लोग एक वीडियो अपलोड करते हो, और उसके बाद 7-8 दिन के बाद अगर आप लोग एक और वीडियो अपलोड करोगे, सो आपके अकाउंट का जो रीच होता है, जो
ग्रोथ होता है वो रुक जाता है, वो थम सा जाता है। इसीलिए आपका आपके अकाउंट पे आप जितनी भी मेहनत करके वीडियोस बनाओ, आपके अकाउंट के वीडियो वायरल नहीं होता। सो गाइस, कोशिश करो डेली कम से कम एक वीडियोस अपलोड करनी चाहिए। अगर मान लीजिए हफ्ते में 7 दिन के अंदर 4 दिन अगर आप लोग स्टोरी यानी कि कोई कॉमेडी वीडियो, कोई स्टोरी वीडियो, कोई कहानियाँ बना के अगर आप लोग अपलोड करते हो, तो 3 दिन बिहाइंड द सीन उसी वीडियोस के बिहाइंड द सीन को 3 दिन लगातार अपलोड कीजिए और 4 दिन स्टोरी वीडियोस अपलोड कीजिए। इससे क्या होगा, लोगों को वो वीडियो भी पसंद आएगा एंड बिहाइंड द सीन भी लोगों को पसंद आएगा। एटलीस्ट 1 वीडियो पर डे अपलोड करना चाहिए, वो तो आपकी मर्ज़ी, आप बिहाइंड द स्क्रीन लोगों को दिखाए या फिर ना। मेरा तो बस यही काम है कि आप लोगों को सजेस्ट करना। आप चाहते हो तो स्टोरी बना के ही 7 दिन 7 वीडियो अपलोड कर सकते हो, या तो फिर बिहाइंड द स्क्रीन भी डाल सकते हो अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। ठीक है, सो गाइज, रेगुलर एक ना एक वीडियो अपलोड करना ज़रूरी है। अगर आप मेहनत करोगे तभी आपको रिवॉर्ड मिलेगा, जितना ज़्यादा मेहनत करोगे उतना बड़ा रिवॉर्ड आपको मिलेगा। ठीक है, सो गाइज, आई होप आपको ये 5ों टिप्स समझ में आ चुका होगा। सो गाइज, मैं उम्मीद करूँगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोग इस 5ों टिप्स को यूज़ करते हैं, अगर आपका कुछ फ़ायदा होता है, सो गाइस आप मुझे प्लीज़ इस वीडियो के नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में इससे भी बढ़िया बढ़िया टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के लिए लेकर आ सकूँ। एंड गाइस, लाइक करके मुझे मोटिवेट कीजिए, जैसे मैंने इस 5 टिप्स को देकर आप लोगों को मोटिवेट किया। गाइस, आप भी मुझे लाइक्स करके मोटिवेट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं जब भी ऐसी कोई वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा आप कभी भी मिस ना करो। बाय बाय गाइज़।